सुमा के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे और सुमा अकेली हो गई थी। उस गांव में उसका कोई अपना ना था। लक्ष्मीपुर में उसकी एक दूर की मौसी रहती थी, चंद्रमा। वो आई और सुमा को अपने साथ लेकर चली गई। रिक्शा से जाते तो गांव के बस में चढ़ गए होते, पैदल चलकर ले जा रही हो, बोझ उठ नहीं रहा है। कोई रिक्शा विक्शा नहीं है, पैसा बर्बाद नहीं करना है, मुंह बंद करके चलिए। एक रुपए खर्च करने के लिए भी सोचती हो? इन बच्चों को पालने के लिए राजी कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा उतना दिमाग तो नहीं है, चलो चलो। चंद्रमा सुमा के गांव में घर और खेत बेचकर उन पैसों से लक्ष्मीपुर में खेत खरीदी। कुछ पैसों को कर्जे में देकर अच्छे से कमाने लगे। सुमा के घर में आते ही वो नौकरानी को निकाल दी। घर का सारा काम सुमा से ही करवाने लगी। वो अपनी बेटी उमा को बहुत लाड़ प्यार से पालती थी और सुमा को नौकरानी की तरह देखती थी। और जगह नहीं मिला, मेरे पेड़ पर गंदा करोगी, कुत्ते जैसा मुंह वाली कौवा, जाओ। कुछ साल बीत गए, चंद्रमा ने बहुत पैसे कमाए। एक दिन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है चंदू, हमारे गांव के तालाब के पीछे वाली गली में मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा सेठ है, वो हमारी उमा को अपने बेटे के साथ शादी के लिए राजी हो गया है। फिर देर किस बात की, अगले महीने ही शादी करा देंगे। बड़ी लड़की की शादी ना करा के छोटी लड़की की शादी कराने से गांव वाले हमें भला बुरा कहेंगे, इसलिए सुमा के लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी कराकर उमा की शादी कराएंगे। उसे शादी करा के भेज देने से घर का काम कौन करेगा, फिर भी अच्छा रिश्ता के लिए तो दहेज देना पड़ेगा। क्या तुम सुमा की शादी नहीं कराओगी? कराऊंगी, उसे हमेशा के लिए अपने घर की नौकरानी बनाऊंगी। अपनी दूर बुद्धि से वो अपने यहाँ काम करने वाले पांडू के साथ उसकी शादी करा दी। ऐसे तो पांडू गरीब था पर गुणवान और अच्छा था। पांडू और सुमा दोनों को घर के पीछे वाली झोपड़ी में रहने को कहा गया था। सुमा से हमेशा की तरह घर का पूरा काम कराती थी और यहाँ उमा को पड़ोस गांव के सेठ से बड़े ही धूमधाम से शादी करा के भेजी। सुमा पांडू के साथ खुश थी, ये चंद्रमा देख नहीं सकती थी। झूठ मूठ का कुछ ना कुछ बोलकर सताती रहती। एक दिन, सुमा तुम हर दिन बहुत काम करती हो फिर भी तुम्हारी मौसी तुम्हें गालियां देती है और मारती है, चलो इस घर से चले जाते हैं, कहीं और जाकर काम कर लेंगे। हम लोगों का अपना कह कि एक सेंट भूमि भी तो नहीं है, घर भी तो नहीं है, कहां पर जाएंगी? इस प्रकार वहीं पर रह गए। एक दिन मंदिर में सुमा को उसके गांव के मुखिया मिले और वो सुमा का हाल चाल पूछने लगे। जब उन्होंने सुमा का फटा कपड़ा देखा तो बोले, क्या बात है सुमा बेटी, गांव में तुम्हारी पूरी जायदाद को तुम्हारी मौसी लेकर तुम्हें एक नौकरानी बनाकर रखी है, रुको मैं उसे बताता हूँ। ऐसा कहकर गुस्से में लक्ष्मीपुर सरपंच के पास जाकर चंद्रमा ने सुमा के साथ जो किया था वो बताया। सरपंच चंद्रमा को बुलवाकर, देखो चंद्रमा, तुमने बहुत गलत किया है सुमा के साथ, इज्जत से कह रहा हूँ सुमा को हिस्सा दे दो वरना तुम लोगों को गांव से बहिष्कार कर दूंगा। आधा जायदाद क्यों देना है, वो क्या मेरी सगी बेटी है, मैं नहीं दूंगी। हमारे गांव में सुमा के घर और खेत को बेचे हुए पैसों से सुमा को सगी बेटी बनाकर रखोगी कही थी, इस गांव में लाकर सुमा को नौकरानी बनाई हो। बकवास,
घर और खेत इतने दिनों तक उसे पालने के लिए और शादी कराने के लिए उससे ज्यादा ही खर्च किए हैं। सुमा की जायदाद और उसे पालने में जो खर्च हुआ दोनों बराबर हो गए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम कैसे पाली हो और शादी में कितना खर्च की हो क्या हमें नहीं पता? सुमा को घर और खेत दो वरना। ठीक है, तो फिर गांव के बाहर इमली के पेड़ के पास का एक एकड़ भूमि और वहां का घर दूंगी। उस भूतिया इमली पेड़ की जमीन, वो भी शमशान के पास में? नहीं नहीं, कोई और जगह दो। सरपंच जी, मेरी मौसी को परेशान मत कीजिए। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मुझे पालकर मेरी शादी कराई है। मौसी जी जो देगी वही मेरे लिए काफी है। इस प्रकार चंद्रमा शमशान के पास वाले खेत और छोटी झोपड़ी सुमा को दी। सुमा, ये तो बंजर भूमि है, इस खेत को जोत कर खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल है। दोनों मिलकर परिश्रम करके इज्जत से जिएंगे जी। ऐसा कहकर खेत जोतना चाहा, पर बड़े बड़े पत्थरों की वजह से लकड़ी की हल टूट गई। मैंने कहा था ना सुमा, इस खेत में जोतना मुश्किल है। यदि ट्रैक्टर होता तो आराम से जोत सकते थे। हम लोगों के पास ट्रैक्टर को भाड़े में लाने के लिए उतना पैसा तो है नहीं ना। ऐसा कहकर खेत के बीच में जो इमली का पेड़ था उसे काट कर लकड़ी बेचने से थोड़े पैसे आ जाएंगे सोचकर दोनों जाकर पेड़ को काटने वाले थे। तभी तुम लोग कौन है रे? मेरा पेड़ को काट रहे हो? चले जाओ वरना मार डालूंगी। बाप रे, चुड़ैल। मारो तो देखते हैं। मेरा खेत मेरा पेड़, तुम ही चले जाओ, नहीं तो मेरे गुरुजी सिंगला तांत्रिक को लेकर आऊंगी। मंत्र जल से इस पेड़ को और तुम्हें राख कर देंगे। सावधान। बाप रे, लगता है इसे डर नहीं है। अब कैसे? हाँ, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ रही है। तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पेड़ को मत काटना। सूखी हुई पेड़ खेत में क्यों? काटकर लकड़ियां बेचने से पैसे आएंगे। बेटी बेटी काटो मत। कुछ साल पहले मुझे और मेरे पति को यहीं पर समाधि करके इस इमली का पौधा लगाए हैं। तभी से लेकर हम दोनों इसी पेड़ पर रह रहे हैं। हम लोगों को ये पेड़ बहुत ही पसंद है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा पति भूत कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? वो अजनबी लोगों को देखकर शर्माते हैं, बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, तो फिर नहीं काटेंगे, रहिए। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मन में लाल लाल लंपटन लगे रहो, लंपटन करके मन में कहो, मैं तुरंत आऊंगी। तुम भूत हो, तुम क्या मदद करोगी? ऐसा कहकर हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद पड़ोस गांव में उमा के घर जाकर, बहन, लकड़ी का हल से खेत जोतना नहीं हो रहा है। तुम लोगों के पास बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं ना, एक को देकर मदद करना। मेरी माँ के पास से जबरदस्ती से खेत लोगी, तुम्हारे पास से कैसे भी करके वो खेत ले लूंगी, देखना। ऐसा कहकर अपनी दूर बुद्धि से किनारे पर पड़ी हुई पुरानी ट्रैक्टर देकर भेज दी। उस ट्रैक्टर के हल में पूरी जंग लगी हुई थी, इसलिए खेत जोतते समय बड़े से पत्थर पर लगकर हल टूट गई। वह ये बात जाकर उमा को बताई। अच्छा खासा ट्रैक्टर को तोड़ दोगी? वो ट्रैक्टर हमारा कुलदेव की तरह है, वो हमारे लिए बहुत ही शुभ है। उसके बदले नया ट्रैक्टर खरीद कर दो। हे भगवान, क्या नया ट्रैक्टर? उतना पैसा मेरे पास नहीं है बहन। 2 महीने का समय देने से किसी भी तरह से पैसा जमा करके इसी ट्रैक्टर को ठीक करा कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, अगर देना है तो नया ट्रैक्टर दो, वरना वो खेत मुझे दे दो। क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए खेत दे दूं? कितना अन्याय है। किसका अन्याय है? गांव के मुखिया के पास जाकर बात करेंगे, चलो। ऐसा कहकर दोनों गांव के मुखिया के पास गए, लेकिन मुखिया जी पड़ोस के गांव में गए हुए थे। उनकी पत्नी ने कहा कि आने में काफी रात हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कल आएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम मेरा ट्रैक्टर लेकर गांव छोड़कर भाग जाओगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। कितना भी देर हो जाए कोई बात नहीं, मुखिया से तुम्हारे बारे में बात करके ही जाऊंगी। और कोई चारा ना था, इसलिए सुमा और उमा दोनों उनके घर में ही इंतजार करने लगे। काफी रात होने के कारण
वहीं चौखट पर सो गई। उसी वक्त जानबूझकर ही उमा नींद में सो रही सुमा को चारपाई से नीचे गिरा दी। बेचारी सुमा चारपाई के ऊपर से नीचे गिर गई और गिरते गिरते नीचे जमीन पर सोई हुई दादी के ऊपर गिर गई। उस वजह से दादी की कमर टूट गई। दर्द के मारे दादी चिल्लाने लगी, हे भगवान, हे भगवान, मेरा कमर टूट गया है, हे भगवान। तभी मुखिया वहां पर आया था। यह सब कुछ देखकर, मेरी माँ का कमर तोड़ोगी, इसके लिए तुम्हें 1,00,000 रुपए देना होगा, समझी? क्या 1,00,000 रुपया? मैं अपनी जिंदगी में उतना नहीं दे सकती। ठीक है, तब तुम्हारे पास जो खेत है वो मुझे दे दो। बहुत खूब, वो खेत मुझे चाहिए, इसने मेरा ट्रैक्टर तोड़ी है। इस प्रकार मुझे चाहिए कर मुखिया और उमा आपस में लड़ने लगे। इस प्रकार समस्या का हल नहीं होगा, हमारे मंडल के न्यायाधिकारी अपन्ना साहब के पास जाकर इसका फैसला करेंगे, चलो। इस प्रकार तीनों मिलकर अपन्ना साहब के घर गए। अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, ट्रैक्टर टूटी है, दादी की कमर टूटी है, मेरा खेत और घर कैसे भी ले लेंगे, अब कैसे जिएंगे? इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसा सोचते हुए सुमा पुल पर से कूद गई। फिर क्या था, नीचे नाव में सोए हुए दादा के ऊपर जाकर गिरी और दादा वहीं के वहीं मर गए। उनका पोता यह सब देखकर, मेरे दादा को मार डाली, मेरे दादा के बिना मैं कैसे जीऊंगा, मुझे 2,00,000 रुपए दो वरना तुझे मार डालूंगा। अरे बेटा, इसके पास 1 एकड़ भूमि और इसका एक छोटा सा घर ही है और फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये सारी बातें बताकर उसे भी न्यायाधिकारी के पास चलने के लिए कहे। ऐसा कहकर तीनों सुमा के पीछे पीछे जाने लगे। इतने में सुमा को इमली के पेड़ वाली चुड़ैल याद आई। यदि तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मन में कहना। लाल लाल लंपटम लगे रहो लंपटम, लाल लाल लंपटम लगे रहो लंपटम। ऐसा कहते ही चुड़ैल प्रत्यक्ष। बाप रे, सच में आ गई, वे लोग तुम्हें देखेंगे तो? डरो मत, मैं उन लोगों को नहीं दिखूंगी, मेरी आवाज उन लोगों को सुनाई नहीं देगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। सुमा चुड़ैल को सारी बातें बताई। बस इतनी सी बात है, क्या मैं इन तीनों को मार डालूं? मार डालोगी? नहीं नहीं, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो वरना मुझे ही मार डालो। मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानती ताकि समय को पीछे लेकर जाऊं, एक काम करो। ऐसा कहते हुए चुड़ैल ने एक ईंट दी। इसे अपने साड़ी के आंचल में बांधो, न्यायाधिकारी कुछ भी पूछे तुम अपनी आंचल की गांठ को दिखा देना, बस। क्या वैसा दिखाने से क्या हमें सजा नहीं देंगे? जैसा कह रही हूँ वैसा करो, मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे पास ही रहूंगी। सभी लोग न्यायाधिकारी के पास गए। पहले उमा जाकर सुमा की वजह से ट्रैक्टर कैसे टूटी है ये बताई। मुझे नया ट्रैक्टर देने को कहिए, अगर नहीं तो उसका खेत देने को कहिए, मुझे न्याय दिलाइए। चुड़ैल ने जैसा कहा था वैसे ही बिना कुछ कहे साड़ी की आंचल दिखाई। अच्छा, फैसला उसके हिसाब से सुनाने से आंचल में रखी हुई मुझे घूस देगी, उमा की तरफ फैसला सुनाने से उसे ही लाभ होगा, मुझे तो नहीं। ऐसा सोचकर फैसला सुमा के अनुकूल ही सुनाया। सुमा, उस ट्रैक्टर को ठीक कराकर तुम्हारे पास 2 महीने रखना और जब तुम्हें लगेगा कि अच्छे से काम कर रहा है और नहीं टूटेगा तब उमा को लौटा देना, यही मेरा फैसला है, इसे ही मानना पड़ेगा, इसे ही मानना पड़ेगा। इस फैसले को सुनकर गुस्से में उमा वहां से चली गई। गांव का मुखिया सारी बातें बताकर, सुमा की वजह से मेरी माँ का कमर टूट गया, इसलिए उसकी भरपाई के लिए 1,00,000 रुपए देने को कहिए साहब। सुमा बेटी, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ कहना है? साड़ी का आंचल 2 बार दिखाओ। जैसा कहा
वैसे ही सुमा ने साड़ी का आंचल दो बार दिखाया। इसका मतलब रुपयों का दो बंडल देगी। बहुत खूब, फिर से इसी के अनुकूल फैसला सुनाऊंगा। सुमा की वजह से कमर टूटने वाली दादी को अपने घर ले जाकर दादी की कमर ठीक होने तक सुमा को ही देखभाल करना होगा। यही मेरा फैसला है, इसे ही मानना पड़ेगा, ही मानना पड़ेगा। इस फैसले से नाखुश होकर मुखिया वहां से चला गया। उसके बाद दादा सुमा की वजह से कैसे मर गए ये बात वो लड़का बताया। मेरे दादा के मृत्यु का कारण बनने वाली इस लड़की के पास से मुझे 2,00,000 रुपए दिलवाइए साहब। सुमा बेटी, तुम्हें कुछ कहना है? इस बार साड़ी का आंचल 3 बार दिखाओ सुमा। चुड़ैल ने जैसा कहा वैसे ही सुमा इस बार 3 बार साड़ी का आंचल दिखाई। आज तो मेरी तकदीर बहुत अच्छी है, इसका मतलब 3 बंडल का रुपया देगी मुझे। ठीक है, फिर से सुमा के अनुकूल ही फैसला सुनाऊंगा। सुमा, तुम्हारे दादा के ऊपर पुल के ऊपर से कैसे कूदी? तुम भी सुमा को नाव पर बिठाकर उसके ऊपर पुल के ऊपर से कूदो, बराबर हो जाएगा। जैसे को तैसा, यही मेरा फैसला है, इसे ही मानना होगा, ही मानना होगा। इस फैसले को सुनकर पोता चौंक गया। उसके पास और कोई चारा ना था, इसलिए वहां से चला गया। न्यायाधिकारी 6 बंडल रुपए आएंगे सोचकर खुश होकर अपने नौकर से, अरे ओ छोटू, उस सुमा के पास जाकर रुपयों के 6 बंडल लेकर आ, उसके साड़ी के आंचल में बहुत सारे पैसे हैं। नौकर जाकर न्यायाधिकारी को देने वाले रुपयों में से 6 बंडल मांगने लगा। 6 बंडल घूस? कौन सा घूस, कौन से रुपए? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हारे आंचल में जो पैसे हैं, उसे दे दो। सुमा तुरंत साड़ी के आंचल का गार्ड खोलकर उसमें से ईंट निकाल कर दी। ये लो, मेरे साड़ी के आंचल में पैसे नहीं हैं, ईंट है। ऐसा कहकर वहां से ही चली गई। नौकर उस ईंट को ले जाकर न्यायाधिकारी को देकर सारी बातें बताया। क्या ईंट? इस बात को किसी से मत कहना रे, इज्जत चली जाएगी मेरी, एकदम चुप। सुमा को मुसीबत से छुटकारा मिल गया, इसलिए खुशी खुशी घर जा रही थी। सुमा के पुल के पास पहुंचते ही वह पोता भागते हुए आया। माँ जी माफ कर दीजिए, मेरे दादा आपके गिरने की वजह से नहीं मरे, मेरे दादा तो कल ही मर गए थे। दादाजी की अंतिम इच्छा थी कि नाव में उनकी दाह संस्कार की जाए, वो बात गांव में पता चले तो मानेंगे नहीं, इसलिए चुपचाप नाव पर दाह संस्कार करने ही वाला था। इतने में आप दादा के ऊपर कूद गई। अब मुझे आपके ऊपर कूदना हो तो कैसे कूदूं? यदि गलती से इधर उधर गिर गया तो मर जाऊंगा। आप न्यायाधिकारी को कुछ मत बताना, हम आपस में हल कर लेंगे। कृपया इसे 1,00,000 रुपए को ले लीजिए। लाख मना करने पर भी हाथ में 1,00,000 रुपया देकर चला गया। उसके लालच की वजह से ही उसको यह फल मिला है। मरे हुए दादा को बीच में रखकर तुमसे खेत लेना चाहा, इसलिए जैसे को तैसा। उन पैसों को आंचल में बांधकर मुखिया के घर के सामने से गुजर रही थी। इतने में मुखिया आकर, न्यायाधिकारी के फैसले के मुताबिक मेरी माँ को लेने आई हो सुमा। सुमा बेटी, दया करके मेरी माँ को तुम्हारे घर मत ले जाना, हम दोनों एक फैसले पर पहुँचेंगे। नहीं करके बोलो। नहीं, न्यायाधिकारी ने जैसा कहा, यदि वैसा नहीं करेंगे तो सजा देंगे। कोई सजा नहीं देंगे बेटी, मेरी माँ की बहुत पहले ही कमर टूट गई थी, वो कम नहीं होगा ऐसा वैद्य जी ने कहा था। मेरी माँ कमर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए जमीन पर सोई हुई थी। तुम्हारे मेरी माँ के ऊपर गिरने की वजह से उनका कमर दर्द ठीक हो गया। इस बात को न्यायाधिकारी को बताऊंगी, करके बोलो। अच्छा, इसका मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अभी जाकर न्यायाधिकारी को बताती हूँ। नहीं बेटी नहीं, ये लो 1,00,000 रुपए, हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा अब। ऐसा कहकर चला गया। उन पैसों को भी अपने आंचल में बांध ली। उमा के घर के सामने से गुजर रही थी। उमा बाहर ही खड़ी थी। दीदी दीदी, उस ट्रैक्टर को मैं अपने पति को बताए बिना ही तुम्हें दी हूँ। मेरा पति और 10 दिन में शहर से आ जाएंगे, यदि वो ट्रैक्टर दिखाई नहीं दिया तो मुझे मारेंगे। दया करके मेरा ट्रैक्टर मुझे दे दो,
बिल्कुल नहीं, न्यायाधिकारी ने जैसा कहा वैसा ही ट्रैक्टर ठीक करा के 2 महीने घर पर रखकर तब जाकर दूंगी। बोलो। नहीं, न्यायाधिकारी ने जैसा कहा वैसा ही उसे ठीक करा के 2 महीने तक उसे चलाकर देखूंगी, उसके बाद दूंगी। बाप रे, 2 महीने? दीदी ये 50,000 लेकर मेरा ट्रैक्टर मुझे दे दो। ले लो, ये तुम्हें बचपन से बहुत सताई है, उसके बदले में दे रही है, सोचो। ठीक है, पर क्या उस ट्रैक्टर को ठीक कराऊं? वो पहले से ही टूटी हुई है दीदी, तुम तुरंत वो ट्रैक्टर जैसा है वैसा दे दो बस। उमा की दी हुई पैसों को आंचल में बांध कर घर चली गई और सारी बातें अपने पति को बताई। इस प्रकार आए हुए पैसों से एक ट्रैक्टर को भाड़े में लिए और खेत जोतने लगे और एक कुआं खुदवा कर भूतिया इमली के पेड़ पर हर दिन पानी डालने लगे। वह पेड़ हरा भरा दिखने लगा। दोनों खेती बाड़ी करते हुए अच्छे पैसे कमाए और उनकी मदद करने वाली चुड़ैल को धन्यवाद करते हुए हर दिन पकवान बनाकर खिलाने लगे। हरे भरे पेड़ पर पति भूत के साथ बातें करते हुए आराम से रह रहे थे और चुड़ैल सुमा के साथ उसकी रक्षा के लिए रह रही थी।